एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक महिला के पास एक मिस कॉल आई। मिस कॉल पर उसने बात की और धीरे धीरे बात बढ़ती चली गई और फिर वो हुआ जिसे जानकर हिल जाएंगे। दरअसल इंदौर की रहने वाली अर्चना के पास एक दिन एक मिस कॉल आई। मिस कॉल करने वाला एक लड़का था, उस लड़के का नाम आकाश है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ती गईं और प्यार हो गया और एक दिन अचानक अर्चना की मौत हो जाती है। आइए जानते हैं मामला क्या है। इंदौर के इंदिरा नगर में रहने वाली 36 वर्षीय अर्चना शर्मा की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने आकाश बैस के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अर्चना ने सुसाइड नोट में आकाश को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। सुसाइड नोट के मुताबिक आकाश के पास अर्चना का कोई न्यूड फोटो था जिसे वे नेट पर अपलोड करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करता था। 40 पन्ने की डायरी में अर्चना ने लिखा है कि आरोपी ने उससे पैसे ऐठा और जबरदस्ती जिस्मानी रिश्ते भी बनाए। आकाश के खिलाफ अर्चना ने छेड़छाड़ का केस भी दर्ज कराया था। इस बीच अर्चना के वॉइस मैसेज व एक डायरी भी सामने आई है। वॉइस मैसेज में अर्चना सिसकते हुए यह कहते हुए सुनाई देती है कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ आकाश बैस है। डायरी में उसने अपनी जिंदगी की पूरी कहानी लिखी है। इसमें अपनी शादीशुदा जिंदगी के साथ ही एक अनजाने फोन के माध्यम से आकाश की एंट्री, ब्लैकमेलिंग, बीमारी से परेशानी तक का जिक्र किया है। पीडब्ल्यूडी में ऑपरेटर मनोज शर्मा की पत्नी अर्चना शर्मा ने गुरुवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बेटे ने पिता को फोन कर इसकी सूचना दी थी।